अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। आज है 19 दिसंबर। तो चलिए देखते हैं अभी तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। और जी हाँ, यहाँ डेली करेंट अफेयर्स शेयर किया जाता है, साथ में रिवीजन सीरीज भी। देखिए, वीडियो में काफ़ी कुछ है आज के वीडियो में, क्योंकि अग्नि पी प्राइम मिसाइल लॉन्च हुआ है। साथ में हम लोग लोंग रंग फेस्टिवल के बारे में जानेंगे, ये भी जानेंगे नेशनल कंजर्वेशन अवार्ड जो अभी दिया गया है वो किस राज्य को मिला है। तो बहुत कुछ है इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। 19 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं गोवा लिबरेशन डे। ये डे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऑपरेशन विजय सक्सेस हुआ था। ये ऑपरेशन विजय चलाया गया था पोर्टुगीज से गोवा को फ्री करने के लिए। ये चलाया गया था 1961 में, और 1961 से गोवा लिबरल हो गया था, मतलब गोवा फ्री हो गया था पोर्टुगीज से। तो गोवा लिबरेशन डे हम लोग मनाते हैं 19 दिसंबर को। होमवर्क देखते हैं, विच एडिशन ऑफ ब्रिक्स समिट हेल्ड इन इंडिया इन 2021। तो इंडिया में कौन सा ब्रिक्स समिट हुआ है, तो वो हुआ है 13th ब्रिक्स समिट। हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल, तो जी हाँ, वो है अहमद नशर अल राइसी, बिल्कुल सही जवाब। करंट अफेयर सीरीज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, DRDO हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम फ्रॉम विच लोकेशन। DRDO ने अग्नि प्राइम मिसाइल लॉन्च किया है अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़। अग्नि प्राइम मिसाइल जो है वो टेस्ट किया गया है DRDO के द्वारा अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा से। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। क्वेश्चन आता है अग्नि मिसाइल क्या है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। इसका रेंज क्या है, 1000 टू 2000 किलोमीटर, और ये एक मीडियम रेंज मिसाइल है। ये काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि अग्नि प्राइम जो है वो अपने पुराने जनरेशन से डिफरेंट है। वो कैसे, तो ये 50% लेस वेट है इसका अग्नि 3 से। देखिए, अगर हम लोग रेंज की देखें तो देखिए, अग्नि मिसाइल तो काफ़ी कुछ आया है, अग्नि 6 तक आया है। एक्चुअली अग्नि 6 अभी डेवलपमेंट हो रहा है, तो अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन अग्नि 5 तक तो डेवलपमेंट हो गया है। ये मिसाइल जो है वो अग्नि 2 और अग्नि 3 के बीच में आएगा, अग्नि प्राइम। ये एक प्राइमरी लेवल मिसाइल तो है, लेकिन ये एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है और इन सभी मिसाइल से थोड़ा डिफरेंट है। चलिए जानते हैं ये कैसे डिफरेंट है। देखिए, अग्नि 1 मिसाइल जो है वो उसका रेंज है 700 टू 1200। अगर हम अग्नि 2 मिसाइल की बात करें तो इसका रेंज है 2000 टू 3500। लेकिन अभी मैंने बताया आपको इस मिसाइल का क्या रेंज है, जी हाँ, 1000 टू 2000, और ये एक मिडिल रेंज मिसाइल है। तो काफ़ी भारी नहीं है, ये हल्का है, साथ में इसमें कोई वेस्टेज नहीं है। देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिसाइल इन एनी वेयर इन द कंट्री। यस, आप इसको इजिली किसी भी कंट्री में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अग्नि प्राइम के पास 2 स्टेज है जो कि किसी भी मिसाइल में नहीं था। इन सभी के पास 1 स्टेज था, लेकिन अग्नि प्राइम जो है, जो कि अग्नि 2 और अग्नि 3 के बीच में आएगा, उसके पास 2 स्टेज है। तो ये काफ़ी डेवलप्ड है। अगर आप इन सभी मिसाइल में देख रहे हैं तो इन सभी मिसाइल के पास कवरेज नहीं है, लेकिन ये जो मिसाइल बनाया गया है इसके पास एक प्रॉपर कवर है। ठीक है, इसको सिंस्टर्न मिसाइल कहते हैं, जिनके पास कवर होता है। ये मिसाइल जो है वो काफ़ी पावरफुल होते हैं, और कवर होने के कारण इनमें धूल मिट्टी नहीं लग पाता है, और केयर भी आसानी से हो सकता है, और इसका यूज़ भी हम काफ़ी सालों तक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है इंडिया का, और वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए सरप्राइज़ है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु बिकम द मोस्ट एडमायरेबल पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो मोस्ट एडमायरेबल पर्सनालिटी पूरे वर्ल्ड के हैं बराक ओबामा। जी हाँ, ये लिस्ट निकाला गया है यू गवर्नमेंट के द्वारा, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये लिस्ट निकाला है, और इसमें मोस्ट एडमायर्ड पर्सन है बराक ओबामा, और नरेंद्र मोदी का भी नाम इसमें आता है। तो देख लेते हैं कहाँ पर है नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी 4th प्लेस पे हैं। ठीक है, और अगर वीमेन की बात करें तो इसमें वीमेन में नाम आता है इंडियन, इसमें वीमेन का नाम आता है प्रियंका चोपड़ा का। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी एथलीट विल बी ऑन द टॉप इन द लिस्ट ऑफ 2024 ओलंपिक्स। कितने एथलीट टॉप में होंगे 2024 ओलंपिक के लिस्ट में। तो 148 एथलेटिक्स को टॉप में रखा गया है। ठीक है, 2024 ओलंपिक
की तैयारी चल रही है और इसके लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। इस प्रोग्राम का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, टॉप स्कीम, टारगेट ओरिएंटेड पोडियम स्कीम, जिसके अंतर्गत हाई असिस्टेंस टॉप एथलेट्स को दिया जाएगा। पेरिस 2024 में होने वाला है ओलंपिक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इसके लिए इंडिया कर रही है पूरी तैयारी। तो टॉप एथलीट्स टोटल 148 है, जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर असिस्टेंस दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच स्टेट हैज़ परफॉर्म बेस्ट इन बेसिक लिटरेसी इंडेक्स। तो बेसिक लिटरेसी इंडेक्स में कौन सा राज्य सबसे बेस्ट है, तो वो है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो याद रखें। देखिए, ये लिस्ट क्या है और किसके द्वारा निकाला गया है, तो ये लिस्ट जो है बेसिक लिटरेसी इंडेक्स, ये रिलीज़ की गई है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा, यानी IFC कह सकते हैं इनको, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। ये रिपोर्ट निकाली है बेस्ट लिटरेसी इंडेक्स और इसे प्रेजेंट किया है इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप ने, यानी ये इंडिया का रिपोर्ट है। इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस बताया गया है वेस्ट बंगाल का और वर्स्ट परफॉर्मिंग बताया गया है, जी हाँ, बिहार का। देखिए, इसका पर्पस क्या है और क्यों ये इंडेक्स में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट केरला नहीं है, वेस्ट बंगाल है, ये कैसे, क्या पर्पस है इस इंडेक्स के बनाने का, तो इसमें देखा जा रहा है लिटरेसी एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 10, जी हाँ, 10 साल से छोटे बच्चों की लिटरेसी एबिलिटी को। क्वेश्चन नंबर 5, BOB वर्ल्ड वेब लॉन्च बाय बैंक ऑफ बड़ौदा इज अ, BOB वर्ल्ड वेब लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा, ये क्या है, तो ये एक वियरेबल डिवाइस है। ये क्या होता है, थोड़ा जानते हैं। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है BOB वर्ल्ड वेब। ये एक टाइप का स्मार्ट वॉच ही है, जिसके अंतर्गत केवल आप अपने बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, SPOT तो नहीं मेजर करेंगे, जैसा कि जनरली स्मार्ट वॉच में होता है। इसके थ्रू आप डिजिटल पेमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि इस पिक में मोबाइल के जगह आप इस वॉच के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं POS मशीन के सामने। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव लाया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। हु बिकम द हेड ऑफ नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो इसके हेड सेलेक्ट हुए हैं रविंद्र भाकर। चलिए दूसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। कैथरीन रशेल जो हैं वो अभी यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेलेक्ट हुई हैं। ठीक है, अगर हम प्रवीण सिन्हा की बात करें तो ये इंटरपोल में एज अ मेंबर सेलेक्ट हुए हैं। अगर हम विवेक जोहरी की बात करें तो ये कौन है, जरा बताइए, ये चेयरमैन हैं CBIT के, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के, तो इनकी भी अपॉइंटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखें इनका नाम। और नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के हेड अपॉइंट हुए हैं रविंद्र भाकर। और ये क्या है, थोड़ा जानते हैं। तो देखिए, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सेंट्रल एजेंसी है, जो कि बनाई गई थी 1975 में मुंबई में। ये देखती है इंडियन सिनेमा को और ये एक्चुअली में आती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत। ठीक है, UPSC एग्ज़ाम में और जनरली गवर्नमेंट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, तो ये है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत। और ये नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि फिल्म सिनेमा को कंट्रोल करती है, तो इसके हेड अपॉइंट हुए हैं रविंद्र भाकर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। लोकरंग फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है, तो ये फेस्टिवल 2 साल बाद ऑर्गेनाइज किया गया है जयपुर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जयपुर में 2 साल बाद ये ऑर्गेनाइज किया गया है लोक रंग फेस्टिवल। यहाँ पे अपने कल्चरल आर्ट को दिखाया जाता है और कल्चरल डांसेस, आर्ट वगैरह का प्रेजेंटेशन किया जाता है, ये एक डांस प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट हैज रिसीव्ड द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट हैज रिसीव्ड द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, कौन से राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है, तो वो राज्य है राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान ने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है एनर्जी कंजर्वेशन में और इसीलिए राजस्थान को मिला है एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। ये अवार्ड ऑर्गेनाइज हुआ था 18-14 दिसंबर, ठीक है, ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। और ये जो अवार्ड है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, ये दिया जाता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा।
इसे BEE भी लिखा जाता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशेंसी। राजस्थान को मिला है एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। होमवर्क देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज साइन लेटर ऑफ इंटेंट ऑन डिजिटल मीडिया विद वियतनाम। तो किस मिनिस्टर ने साइन किया है वियतनाम के साथ डिजिटल मीडिया डील। हु हैज बिकम SJFI लेजेंडरी क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।